प्रणाम भक्तगण, मैं आशुतोष पांडे यूट्यूब के सर्वश्रेष्ठ भक्ति में चैनल भक्ति महिमा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भक्तों, दीपावली 5 दिवसीय त्योहार है जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है तथा पूर्णता भाई दूज के साथ होती है। साफ सफाई के अलावा इस दिन गहने, सिक्के व बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन किन किन बातों का विशेष महत्व माना गया है, आइए जानते हैं इसके बारे में। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद 2 घंटे 24 मिनट के समय के अंदर की जानी चाहिए। चांदी के बर्तन में स्वास्तिक बनाकर उसमें अक्षत यानी चावल डालें, फिर द्रव्य लक्ष्मी यानी सिक्का व नोट की गड्डी आदि रखकर कुमकुम, अक्षत व पुष्प आदि से पूजन करें। पूजन के बाद मुख्य द्वार की दहलीज पर सरसों के तेल से भरा आटे या मिट्टी का दीपक जलाना चाहिए। यह दीपक परिवार में अकाल मृत्यु को रोकने के लिए यमराज को समर्पित किया जाता है। इसे दरवाजे की दक्षिण दिशा में रखें। दिए में 2 बत्तियां क्रॉस करके रखें और इसे चारों ओर से जलाएं। बत्ती के 4 कोने चारों दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में रक्षा का प्रतीक माने जाते हैं। इतना तेल भरे कि दिया रात भर जले। इस दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी का भी जन्म दिवस होता है। मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी औषधि का कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनतेरस में दिन के समय भगवान धन्वंतरी की तस्वीर रखकर पूजा करने से घर में बीमारियां नहीं आती। झाड़ू को गृह लक्ष्मी कहा जाता है क्योंकि ये घर की दरिद्रा लक्ष्मी यानी गंदगी साफ करने का काम करती है। इस मान्यता के चलते धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाई जाती है। दिवाली के दूसरे दिन यानी गोवर्धन वाले दिन पुराने झाड़ू को घर के बाहर कचरे के साथ रखकर दीपदान करना चाहिए। आमतौर पर इस दिन लोग घरेलू प्रयोग के बर्तन, गहने आदि खरीदते हैं, लेकिन शास्त्रों में धनतेरस के दिन चांदी के बर्तन खरीदने की बात कही गई है। इस दिन धनलक्ष्मी की पूजा की जाती है और साथ ही साथ अकाल मृत्यु से बचने के लिए यमराज की पूजा का भी महत्व है। धनतेरस के दिन चांदी का बर्तन या सिक्का खरीदना शुभ होता है। चाहे तो लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा वाला सिक्का भी खरीद सकते हैं। तेल में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है व जल में गंगा का, इसलिए धनतेरस से लेकर दीपावली के दिन तक शरीर पर तेल लगाकर स्नान करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। तो भक्तों, इस अंक में हमने जाना कि शास्त्रों में धनतेरस के दिन किन किन बातों का विशेष महत्व दिया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो पर लाइक करें तथा इस पर कमेंट करें। साथ ही साथ हमारे भक्तिमय चैनल भक्ति महिमा को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे और रोचक विषयों के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।